अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिया कुक। आज हम बनाने जाएंगे गैलेक्सी मिल्क केक, जो बहुत मॉइस्ट, डिलिशियस और सॉफ्ट होता है। जिसके लिए आपको 3 अंडे चाहिए, जिसकी जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग कर लें। फिर आपने सफ़ेदियों को बहुत अच्छी तरह बीट करना है, जब तक वो फ्लफ़ी ना हो जाए। और दूसरा ख्याल रखिएगा कि आपका बीटर और जो जिस बर्तन में आप बीट करें वो बहुत क्लीन होना चाहिए, क्योंकि एक कतरा भी अगर पानी का आपके बीटर या जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उस पर लगाओ तो एग वाइट्स बीट नहीं होती हैं। बीटिंग के दौरान मैं 4 खाने के चम्मच चीनी पिसी हुई डालूंगी, जो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी, एक साथ नहीं। आप देख सकते हैं कि एग वाइट्स इतनी फ्लफ़ी होनी चाहिए। अब हम दूसरी तरफ चलेंगे, जिसमें मैंने 3 सर्दियाँ ली हैं। जो शुरू में मैंने 3 सफ़ेदियाँ अलग की थी अंडों की, उसी की सर्दियाँ हैं। उनको अच्छी तरह बीट करेंगे और साथ साथ 4 खाने के चम्मच चीनी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। और याद रखिए कि चीनी पिसी हुई होनी चाहिए और एक साथ सारी चीनी ना डालिएगा, आहिस्ता आहिस्ता। और साथ ही मैं 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस डालूंगी और फिर उसको बीट करूंगी। अब साथ ही मैं इसमें 2 खाने के चम्मच दूध के डाल दूंगी, जो रूम टेम्परेचर का होगा। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ऑयल भी डाल दूंगी और फिर उसको बीट करूंगी। अब मैं अंडे की जो जर्दियों वाला बैटर है उसमें मैदा डालूंगी, जो मैंने आधा कप मैदा लिया है, और मैं उसको छान के इस्तेमाल करूंगी, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही मैं 1 चुटकी नमक डाल दूंगी और 3/4 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। अब मैं बैटर में मिक्स करूंगी इन सब चीज़ों को और हल्के हाथ से करूंगी, ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा। अब जब मुझे लगा कि इसमें सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो इसमें मैं जो मैंने सफ़ेदियाँ बीट की थी उनको मैं अच्छे से फोल्ड करूंगी, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। और जो बीट की हुई सफ़ेदियाँ हैं उनको एक साथ नहीं डालना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालें। अब मेरे पास 8 इंच का राउंड पैन है, जिसको मैंने ग्रीस किया और पार्चमेंट पेपर लगा दिया। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस पैन को ग्रीस करें और मैदा छिड़क दें और सारा बैटर उसमें डाल दें। अब बैटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको टैप कर लूँगी ताकि एयर बबल्स निकल जाए। फिर इसको मैं 180 डिग्री प्री हीट ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए बेक करूँगी। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हर ओवन का डिफरेंट होता है। 25 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया और मेरा बैटर जो है वो छुरी पे बिल्कुल नहीं लगा, इसका मतलब मेरा केक बेक हो गया। और फिर आप इसको ठंडा होने के लिए कूलिंग रैक पे रखते हैं। अब हम इसकी गनाश बनाने के लिए चलते हैं, जिसके लिए मैंने 3/4 कप क्रीम ली है और साथ मैंने गैलेक्सी मिल्क चॉकलेट ली है 200 ग्राम। आप कोई भी मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को हल्की आग पर अच्छी तरह मिक्स करें, सिर्फ इतना करें कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए। अब इसका मिल्क सिरप बनाने के लिए मैं एक बोल में 3 खाने के चम्मच कंडेंस मिल्क लूँगी और उसमें 3 खाने के चम्मच एवेपोरेटेड मिल्क डालूँगी और उसमें 3 खाने के चम्मच दूध डालूँगी। अब हम केक की प्रिपरेशन पे चलते हैं, जिसमें मैंने एक बोर्ड लिया है, उस पर मैं थोड़ी सी क्रीम डालूँगी ताकि मेरा केक चिपक जाए। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई भी प्लेट या ट्रे ले सकते हैं। मैंने केक को 2 हिस्सों में कर लिया था और अब मैं एक हिस्से पे इसके मिल्क का जो सिरप मैंने बनाया था वो डाल रही हूँ। और याद रखिए कि मिल्क सिरप जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, मैंने जितना बनाया था मैं पूरा नहीं यूज़ करूँगी। और साथ ही जो मैंने गनाश बनाई थी वो ठंडी करके मैं इस पर थोड़ी सी लेयर एक बना दूँगी, पतली सी। अब मैं केक का दूसरा हिस्सा उसके ऊपर रख दूँगी और मिल्क सिरप जो है जिससे मैंने नीचे वाले पार्ट पर डाला था केक के, अब मैं ऊपर वही उसी तरह करूँगी। और जो गनाश मैंने बनाई थी वो ठंडी करके, याद रखे ठंडी होनी चाहिए, वो सारी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। कोशिश करें सारा कवर हो जाए। उसके बाद मैंने कद्दूकश की हुई चॉकलेट जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। आप किसी तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको गर्मी के मौसम में बना रहे हैं तो इसको ज़्यादा देर बाहर ना रखें, क्योंकि चॉकलेट मेल्ट हो जाती है।
ये देखें जी, माशाल्लाह आपका मॉइस्ट डिलीशियस केक तैयार है। हर चीज़ बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन जो मज़ा अपने हाथ से खिलाने का अपनी फैमिली को है, उसका कोई जवाब नहीं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।